हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम आपको ये देखिए एक सीलिंग फ़ैन है, इसको हम फिट करने का आपको बहुत ही आसान और अच्छा तरीका बताने वाले हैं। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें, और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हम आपको सब चीज़ें आपको बता दें। ये देखिए स्टेटर है और मोटर, और ये इसके जो सारा सामान हमने यहाँ पर खोल के रख दिया है। अब हम इसे फिट करना है। हम आपको बताएंगे किस तरह से हम सीलिंग फ़ैन घर पर ही खोलकर आसानी से फिट कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से। ये देखिए, सबसे पहले हमें करना ये है, जो स्टेटर में इसके नीचे जो एक स्प्रिंग लगा होगा इस तरह का, वो हमें लगा देना है, और उस पर थोड़ा ग्रीस इसलिए लगा देंगे कि वो भागे भी ना और सूखे होने की वजह से कोई किसी तरह की कोई आवाज़ ना करे। ठीक है, देखिए इस तरह से हम ग्रीस लगाने के बाद हम उसे फिट करेंगे। वो कैसे अब हम आपको बताने वाले हैं। देखो इस तरह से दोस्तों हम इसे हम फिट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ से पुश करके इसे आसानी से हम फिट कर देंगे, बहुत ही आसानी से। देखिए इस तरह से हमें फिट कर देना है, जिससे कि हमारी वाइंडिंग शॉर्ट ना हो या कटे ना। ठीक है दोस्तों, इस तरह देखिए हमने फिट कर दिया है। अब दोस्तों देखिए इसके पेच है, अब हम इसका कवर जो है ये, अब हम इसमें ये देखिए कवर है इसका, अब हम इसको फिट करके आपको बताएंगे, और अब किस तरह से इसकी बहुत आसान तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तो देख सकते हैं आप घर पर ही पंखा रिपेयर कर सकते हैं अपना कोई भी। ये देखिए इस तरह से ये हमने कर लिया है। अब इसका ऊपर वाला कवर को हम आहिस्ता आहिस्ता करके इस पर बैठा देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको फिट करेंगे और हम हल्के हल्के इस पर ये देखिए इसको बैठा लेंगे। ये देखिए हम इसको ऊपर से हल्का सा पुश करेंगे और इसको बैठा देंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों बताते हैं किस तरह से हम इसको बिल्कुल बैठा लेंगे जो आराम से बैठ जाइए। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, जिससे कोई भी दिक्कत कोई परेशानी ना हो। इस तरह देखिए प्लास को इस तरह से लेके हम पाइप भी लेके कर सकते हैं। इस तरह देखिए इसको हम मारेंगे इस तरह से, और ये बिल्कुल सही से आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, ये बराबर का बैठ चुका है ये। ठीक है, अब हम देखिए हो गया ये। अब हम इसमें दोस्तों अभी देखिए फ्री नहीं हो रहा है, जब हम इसके स्क्रू जो इसके पेच हैं हम इसके पेच इसमें टाइट करेंगे तो ये बिल्कुल ही फैन जो है बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आप। हाँ, मेरे लिए इसके जो इसके कनेक्शन करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम इसको फिट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम बारी बारी करके एक साथ में हमें इसके सारे स्क्रू टाइट नहीं करने हैं, थोड़े थोड़े करके तीनों पेज जो हैं इसके हमें टाइट करने हैं, हल्के हल्के करके, एक बार में पूरी तरह से टाइट नहीं करने हैं। जिस तरह से देखिए हल्के हल्के करके हम इसे टाइट करने हैं। ये देखिए स्क्रू बिल्कुल टाइट हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा और हम इसको और कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल ये जो हमारा फैन बिल्कुल देखिए बिल्कुल फ्री चल रहा है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा और हम इसे सेटिंग करने से इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, हमें हल्के हल्के करके पेच इसके जो टाइट करनी है। अगर एकदम से एक बार में ही हम इसको टाइट कर देंगे तो हमारी सेटिंग सही से बन नहीं पाएगी, इसलिए हम हल्के हल्के करके हमें स्क्रूज के टाइट करने हैं, जिससे कि हमारा पंखा पूरी तरह से सेट हो जाए। इस तरह ठीक है, देखिए इस तरह से देखिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पंखे के सारे स्क्रू हमने टाइट कर दिए और हमारा पंखा सेट हो चुका है। पंखा टाइट होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह देखिए बिल्कुल फ्री पंखा हमारा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए हमारा कंडेंसर, देखिए देखिए कंडेंसर क्लिप हमने लगा दिया, कंडेंसर लगा दिया। हम आप आपको मेन इसके जो बताते हैं किस तरह से हम इसके कनेक्शन करेंगे, सबसे आसान तरीका वो है
कनेक्शन करने का वो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले हमें करना ये है, एक ब्लैक और एक रेड तार को आपस में मिला देना है और एक ब्लैक तार को कंडेंसर में, एक रेड तार को कंडेंसर में लगा देना है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, देखिए इस तरह से। और मेन वायर, मेन कनेक्शन देंगे जो दो तार हमने मिलाए थे उस पर, ठीक है दोस्तों। और एक हम जो वायर पर देंगे, एक कंडेंसर जिस पर रेड तार लगा उस पर हम देंगे। और हमारा पंखा देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों इस तरह से, देखिए हमारा ये पंखा बिल्कुल सीधा चल रहा है। पंखा हमारा देखिए फिट हो गया, बिल्कुल बढ़िया चलने लगा है। हमने स्टेप बाय स्टेप आपको पंखा फिट करने का और कनेक्शन करने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। अगर आपको इससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी है या किसी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, जिससे भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, हम इसी तरह से वीडियो आपको लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।